हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू अदर ब्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को अंबिकापुर का चौपाटी को दिखाऊंगा। दोस्तों, लॉकडाउन की स्थिति में चौपाटी का क्या स्थिति है, दोस्तों वहां पे लोग हैं कि नहीं, वहां का जो खाने के लिए मिलता है वो सब मिल रहा है कि नहीं दोस्तों, और यहाँ पर भीड़ भाड़ है कि नहीं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। दोस्तों, मैं यहाँ पर दरअसल गैस लेने के लिए आया था क्योंकि गैस का नंबर यहीं पे चौपाटी के बगल में ही लगता है। तो दोस्तों, आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि चौपाटी के पास है कि नहीं भीड़ भाड़, और मैं गैस लेने आया हूँ। मेरा बाइक और गैस को भी आप लोग को दिखाता हूँ। ये है मेरा गैस कार्ड और मैं अपने बाइक के सीट में रखा हूँ, और ये मैं चौपाटी के पास हूँ क्योंकि यहीं पर गैस का नंबर लगता है, यहीं पे पर्ची मिलता है, फिर मेरे को जाना पड़ेगा सरगांव गैस लेने। तो देखिए, ये चौपाटी के सामने मैं खड़ा हूँ और मैं आगे से दिखाता हूँ एक बार मेरा बाइक और गैस सिलेंडर। ये देखिए, ये मेरा बाइक और मैं उसके ऊपर गैस रखा हूँ। तो मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो देखा चौपाटी को, तो चलिए चलते हैं चौपाटी के अंदर और आप लोग को दिखाता हूँ चौपाटी का स्थिति। देखिए, यहाँ कितना भीड़ हुआ करता था, कितने लोग हुआ करते थे यहाँ पे, लेकिन सन्नाटा, बिल्कुल एक भी आदमी नहीं। ये सभी ठेला बंद, सभी खाने पीने वाला जो सामान मिलता था वो सब बंद है यहाँ पे। देखिए, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं लोग और करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए, आगे जाकर दिखाता हूँ मैं क्या स्थिति है यहाँ का। एक भी लोग नहीं हैं, सभी दुकानें बंद हैं, सभी होटल बंद है, सभी ठेला बंद है। देखिए, यहाँ पे खाने पीने का चीज़ मिलता है, आप लोग को पता नहीं हो तो अंबिकापुर का चौपाटी गांधी चौक से 100 मीटर आगे में है, और यहाँ पे खाने पीने वाला वो चीज़ मिलता है, जैसे चिकन हो गया, चाट फुल्की है ना, एग रोल, जो भी आप मोमोस जो खाना चाहें आप यहाँ पे मिलता है, जो कि पूरी तरह से बंद है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।